अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और कल जब मैंने आप लोगों से बहुत सारी बातें की थी, आप लोगों को गाइड किया था यूट्यूब के हवाले से कि आप लोगों ने किस तरह से जो है वो यूट्यूब से अर्निंग करनी है, आप लोगों ने किस तरह से यूट्यूब पे जो है वो काम करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कुछ कुछ समझ आया होगा, भले अगर पूरी बात आप लोगों को मेरी ना भी समझ आई हो। तो मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बताया था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैंने आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था, जो मेरा ख़ुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है यूट्यूब के साथ। यूट्यूब के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने किस तरह से काम करके अपने चैनल को जो है वो 2 मंथ के अंदर अंदर वेरीफाई करवाया अपने चैनल को। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूसरे चैनल की तरफ रवा दवा हूँ, ताकि मेरा दूसरा चैनल भी जो है वो यूट्यूब के ऊपर जल्द अज़ जल्द मोनिटाइज हो जाए। ये सब बताने का मकसद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना था कि आप भी मुझ जैसे हैं, जिस तरह से मैं हूँ, कि मतलब हम भी मैं भी इसी पाकिस्तान में रहती हूँ, और जाहिर सी बात है कि हम भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर बंदा ही इस वक्त परेशान है महंगाई की वजह से। तो इसलिए मैंने आप लोगों को मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, ताकि मेरी जहर से अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग भी फ़ायदा उठाएं, आप लोग भी जो है वो जो आप लोग अपना टाइम लगाते हैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर दूसरों की वीडियोस देखने में, तो आप क्यों नहीं अपना खुद का चैनल बना के या पेज बना के आप लोग खुद क्यों नहीं इसके ऊपर मेहनत करते? आप क्यों सिर्फ उनमें रहना चाहते हैं जो सिर्फ दूसरों की वीडियोस देखते हैं? आप खुद क्यों नहीं ऐसा कुछ करते कि आप खुद अर्निंग करें? देखिए आजकल जो जॉब भी कर रहे हैं ना, जिनकी अगर 50,000 सैलरी भी है तो वो भी परेशान है, जिसकी 1 लाख सैलरी है वो भी परेशान है। इस वजह से, चूँकि देखें अगर किसी की 1 लाख सैलरी है ना, तो उसके अखराजात भी उतने ही हैं, उसके अखराजात में कमी नहीं है कि उसके अखराजात जो है वो 10,000 रुपये के हैं और सैलरी उसको 1 लाख मिल रही है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों के साथ को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी जो है वो अपना पेज बनाएं, अपना चैनल बनाएं, कुछ भी किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर या दोनों के ऊपर, आप में जितनी कैपेबिलिटी है आप उस हिसाब से आप खुद से चूज़ करें। आप फेसबुक के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप दोनों के ऊपर काम करना चाहते हैं, जैसे भी आप करें। देखिए ये मैं हरगिज़ नहीं कह रही कि आप सिर्फ देखने वाली ऑडियंस हैं, देखने वाली ऑडियंस से मुराद हरगिज़ मेरा गलत मतलब नहीं लीजिएगा। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि मैं भी देखने वाली ऑडियंस हूँ, मैं भी दूसरों के पेजेस देखती हूँ, मैं भी दूसरों के वीडियोस देखती हूँ, लेकिन मैं ख़ुद भी काम कर रही हूँ। तो मेरा कहने का मतलब भी सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ दूसरों की भी वीडियोज़ देखें, आप मेरी वीडियोज़ देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि मुझे उससे अर्निंग करूँगी मैं उससे। ठीक वैसे ही आप लोग भी अपनी भी वीडियोस जो है वो अपलोड करें, ताकि दूसरे भी आपकी वीडियोस जो है वो देखें, उससे आपको 4 पैसों का फ़ायदा हो, आपकी परेशानियां दूर हों। आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हर बंदा नहीं तो तकरीबन मतलब महंगाई के लिए तो हर बंदा ही परेशान है महंगाई से, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अपनी गुर्बत से भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और गुर्बत की लकीर से भी बिल्कुल नीचे जा चुके हैं इतने ज़्यादा, लेकिन वो सफ़ेद पोश लोग हैं, वो आप लोगों के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को ज़ाहिर नहीं करते। या आप में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी बातों को जो है वो समझेंगे, और आप लोग जो है वो इस चीज़ों की तरफ आगे आएंगे। आगे आने से मुराद ये कि किसी भी एक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप लोग अर्निंग करना शुरू करें। मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ अर्निंग करें, अर्निंग करें, अर्निंग करें। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो आप लोगों से चीज़ें छुपाते हैं, आप लोगों के सामने नहीं बताना चाहते, लेकिन मैं तो आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि जी आप अर्निंग करें। मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे करना है। आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएं, आप टिकटॉक पे चले जाएं, आप फेसबुक पे चले जाएं, आप यूट्यूब के ऊपर चले जाएं,
अच्छा, अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि जी आप मैसेजेस का जवाब नहीं देती हैं। तो देखें, मैसेंजर में जो है ना, वो डेली अगर 1000 मैसेजेस आते हैं ना, तो आप 1000 लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मेरे मुझे ख़ुद यूट्यूब के लिए वीडियोस डेली बनानी होती है, मुझे फेसबुक पे आना होता है, मुझे मेरे घर के काम करने होते हैं, मुझे मेरे और पर्सनल काम है, मुझे वो करने होते हैं। तो उन सब चीज़ों को लेके ना, आप मैसेजेस पे इतना ज़्यादा नहीं मैं बता सकती किसी को, ठीक है। एक एक मतलब एक एक मैसेज का जवाब देना मुश्किल होता है। आप जितना भी कोशिश कर लें, जितना भी टाइम निकालें, पर आप सबको नहीं दे पाते हैं उनके सारे सवालों के जवाब। और ज़्यादातर ये मैसेजेस होते हैं, हाय, अस्सलाम वालेकुम, जी, ये वो। तो देखिए, इन सब बातों से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप टू द पॉइंट बात करें। आपके साथ जो भी मसला है, मतलब आप फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हैं, आप नहीं कर पा रहे, आप यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं, आप नहीं कर पा रहे, आपको सब्सक्राइबर्स का मसला है, आपको वॉच टाइम का मसला है, आपको एक्स वाई जेड जो भी मसला है, आप अपना मसला शेयर करें कि जी ये मसला है मेरे साथ। सब्सक्राइबर का मसला है, जो भी मसले हैं मैं उन्हें यहाँ पे लाइव आके जो है मैं लाजमी बता देती हूँ। लेकिन सब्सक्राइबर का मसला है तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि अगर आप सब्सक्राइबर्स गेन करना चाहते हैं तो आप लाजमी शॉर्ट वीडियो अपलोड करें, और कोशिश करें कि आप शॉर्ट वीडियो जो है वो आप डेली अपलोड करें। अगर आप डेली शॉर्ट वीडियो को अपलोड करते हैं तो उससे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि आपके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो आप लोगों को डेली जो है ना वो मिलना शुरू देंगे। अगर डेली नहीं भी मिलेंगे तो आपके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी में जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, और दूसरी बात यह कि रही बात वॉच टाइम की, तो देखिए जब सब्सक्राइबर्स आते हैं ना, तो वो जो सब्सक्राइबर खुद से आते हैं आपकी वीडियोस को सब्सक्राइब करने के लिए, तो वो जाहिर सी बात है कि वो आपका जो वॉच टाइम होता है वो भी इंक्रीज़ होता है। वो इस तरह से इंक्रीज़ होता है कि सब्सक्राइबर्स आपकी वीडियो देख के आया, उसने आपके चैनल को जो है वो सब्सक्राइब किया, तो इसका मतलब है कि उसको आपकी वीडियो पसंद आई। जब उसको आपकी वीडियो पसंद आई तो उसने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया ना, तो लाजमी सी बात है कि वो आइंदा भी आके आपकी वीडियो को जो है वो वॉच करेगा। जब वो आपकी वीडियो को वॉच करेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका वॉच टाइम इंक्रीज़ होगा। लेकिन उसी के ही अपोजिट, अगर आप अपने सब्सक्राइबर बाय कर लेते हैं और क्राइटेरिया पूरा करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वह क्राइटेरिया तो पूरा हो जाएगा, लेकिन वो आपके सब्सक्राइबर्स जो होंगे वो वॉच नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपने परचेज़ किए हुए होते हैं ना। तो परचेज़ किए हुए सब्सक्राइबर एक तो लॉन्ग टर्म रहते नहीं है, लाइफ टाइम नहीं रहते, और सेकंड ये कि वो ड्रॉप हो जाते हैं, और थर्ड ये कि वो वॉच नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपकी ना तो वीडियो आगे यूट्यूब किसी को सजेस्ट करेगा, और ना ही आपकी जो है वो वॉच टाइम इंक्रीज़ होगा, तो फिर आपको परेशानी का सामना होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप शॉर्ट वीडियो को डेली अपलोड करें। शॉर्ट वीडियो जो है वो आप जब डेली अपलोड करेंगे, हो सकता है उसमें व्यूज़ ना आए, बिल्कुल हो सकता है। हमारे चैनल पे भी ऐसे होता था कि व्यूज़ नहीं आते थे शॉर्ट वीडियो के ऊपर। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक एक वीडियो को एक एक हफ्ता लग जाता था, वन वीक लग जाता था उसके ऊपर, तो व्यूज़ ही नहीं आते थे। कभी कभी तो ज़ीरो में भी रहती थी वीडियो ना, ज़ीरो में भी रहती थी कि जी एक भी व्यूज़ नहीं आया, ऐसा भी होता था। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हम हिम्मत हार के नहीं हटे, हमने उसके ऊपर बिल्कुल मेहनत की, हम काम उसके ऊपर मुस्तकिल करते रहे कि नहीं भाई, किसी भी तरीके से हमने इस चैनल को जो है वो चलाना है। तो इस तरह से, और मैं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैं तो शॉर्ट वीडियो डेली डालती थी यूट्यूब के ऊपर डेली, और डेली के साथ साथ मैं एक दिन में चार पाँच शॉर्ट वीडियो डालती थी। और अभी भी मेरा ये हाल है कि मैं अपने चैनल के ऊपर लॉन्ग वीडियो भी मेरी अपनी जो है वो पाँच छः होती हैं। जबकि आप लोगों को पता है कि फेसबुक ऐसा है कि आप इसके ऊपर भले दूसरों की वीडियोस भी डाल सकते हैं, या कहीं और से लेके भी आपने आप शेयर करते हैं, लेकिन यूट्यूब के ऊपर ऐसा नहीं होता। यूट्यूब के ऊपर तो आपको अपनी वीडियो ही शेयर करनी होती है। यूट्यूब के ऊपर आप किसी की भी वीडियो नहीं लगा शेयर कर सकते। आप YouTube के ऊपर किसी का थंबनेल तक नहीं लगा सकते। ए टू जेड एक एक चीज़ आपकी अपनी होती है। आप टाइटल किसी और का नहीं लगा सकते, इतनी ज़रूरत है। उसके बावजूद भी चूँकि वो एक जुनून है मुझ पर कि नहीं जी मैंने YouTube से अर्निंग करनी है, तो इस वजह से जो है वो YouTube के ऊपर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ।
और आप मेरे फेसबुक के ऊपर भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश करनी शुरू कर दी है कि मुझे जी इससे भी अर्निंग करनी है। देखिए बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है कि उससे आपकी अर्निंग होती है या नहीं होती, लेकिन कोशिश तो इंसान के हाथ में है ना। मेहनत आप करें, बाकी आप अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें कि आपकी अर्निंग इससे होती है या फिर नहीं होती। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, आज वाली भी और कल वाली भी। और आप ज़रूर, अगर आप अभी तक सोच रहे हैं कि जी मैं किसी एक प्लेटफॉर्म की तरफ जाऊं या ना जाऊं, तो मैं उम्मीद करती हूं कि अब आप लास्मी जो है वो सोच से बाहर निकल के और पहला कदम बढ़ाएंगे। क्योंकि कोई भी इंसान हो, पहला कदम आपने ख़ुद बढ़ाना होता है। जब पहला कदम आप ख़ुद बढ़ा लेते हैं तो फिर उसके बाद दूसरे लोग आते हैं आपका साथ देने के लिए, लेकिन पहला कदम आपने ख़ुद बढ़ाना होता है। आपने वो शेर तो सुना होगा, वो एक शेर था ना, मैं तो अकेला ही निकला था जाने बे मंजिल, मगर लोग मिलते गए काफिला बनता गया। तो बस ये भी वैसा ही है कि पहला कदम आपने ख़ुद बनाना है, बढ़ाना है आगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप से और मज़ीद लोग जुड़ते जाएंगे और फिर आपका जो है वो चैनल हो चाहे पेज हो, वो इंशाल्लाह आगे जो है वो इस तरह चलता रहेगा और ये कारवां जो है इसी तरह से रवा दवा रहेगा। ठीक है, तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।